सीखने के पर्पज से और एक परखने के पर्पज से एक ऑपरेटर को दूर रखा जाता है ताकि वो सब कुछ देखे। तो मुझे भी वहीं पे पहाड़ के ऊपर बैठा दिया था कि यहाँ से बैठे भी ये ले रेडियो सेट और सुन क्रिकेट मैच ये मेरे को बोला गया था कि क्रिकेट मैच सुनो, देखो कैसे चलता है क्रिकेट मैच, ठीक है ना। तो मैं बैठ गया था और क्रिकेट मैच सुनने के लिए अपना रेडियो सेट था मेरे पास, हाँ मेरे पास सब कुछ लड़ाई के लिए, ठीक है। अगर मैं खुद लड़ाई में फंसता तो मैं तैयार था लड़ने के लिए, पर मेरे को बिठा दिया था लड़ाई से थोड़ा दूर। तो मैं देख रहा था और कोई टारगेट था जो हमने हिट करना था, और क्या बोलते हैं, मेरे बगल से दो छोटी टुकड़ियां, हमारे दो स्क्वाड जो थे वो जा रहे थे नीचे हिट करने के लिए, अंधेरे होने से पहले का हिट था। तो वो जा रहे थे मेरे बगल से ही नीचे जा रहे थे पहाड़ में। तो मैंने देखा आखिरी बंदा जब निकल रहा था, 12वां बंदा जब निकल रहा था, तो मैं भी पीछे पीछे बैठ के मैं भी नीचे चले गया पहाड़ के नीचे, टारगेट पे चले गया पीछे पीछे, ठीक है। मैंने किसी से परमिशन नहीं ली, कुछ नहीं, मैंने बस डिसाइड कर लिया दिमाग में कि यार ये क्रिकेट मैच तो मैं खेलूंगा, देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं पीछे 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 चले गया, नीचे पहुंच गया। एक तरीके से गलत भी था, एक तरीके से सही भी था। ये एक डिसीजन होता है, कॉम्बैटेंट ये डिसीजन लेता है कि लड़ाई में मैं जाऊंगा और लड़ाई में देखूंगा और मैं भाग लूंगा उस लड़ाई में, जो मेरा फर्ज है मैं अदा करूंगा, ठीक है। तो वो डिसीजन ऑन ग्राउंड पे मैंने ले लिया और मैं चले गया नीचे। नीचे पहुंच गया, मैंने इन्फॉर्म कर दिया टीम कमांडर को कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ। मुझे पता था वो वापस तो नहीं बुला सकते क्योंकि टारगेट का टाइम हो रहा था। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, चले गया देखते हैं। और उसी दौरान पहले ऑपरेशन में ही, पहले कॉन्टैक्ट में ही, मतलब हमने कामयाबी देखी थी।